तो शोएब भाई कलाकारी भी दिखाते हैं साथ साथ में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। फिलहाल हम लोग JDA यहाँ पे है, सामने JDA और यहाँ पे JDA सर्कल है। हम लोग जा रहे हैं दाना पानी का चिकन रशीदा खाने के लिए। दाना पानी का रेस्टोरेंट का जो चिकन दाना है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ पे जाके इनका वीडियो बनाए और नॉनवेज खाए। मुझे काफ़ी वक्त हो गया था, मैंने कहा चलो आज नॉनवेज के किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाके हम लोग नॉनवेज खाते हैं। साथ में हमारे तो नायब साहब है। नायब साहब बहुत टाइम के बाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है? किस बात है उज़्मा अम्मी, सब लोग हैं। और चलिए सीधा यहाँ चलते हैं। देखिए सामने ये JDA सर्कल है। JDA सर्कल से हम लोग लेंगे राइट। राइट लेते ही बस ये JDA से एकदम पास में ही है उनका। यार देखिए आप दिखाएंगे दाना पानी रेस्टोरेंट। देखिए हम लोग जल्दी आते हैं ताकि रश नहीं हो, आराम से खाना खा लें। और देखिए हम लोग यहाँ खाएंगे खाना। ये देखिए दाना पानी रेस्टोरेंट आ गया। ये देखिए दाना पानी रेस्टोरेंट आ गया। तो यहाँ हम लोग खाना खाएंगे और गाड़ी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे और फिर हम लोग खाना खाएंगे। हमको बताया था कि आज हम लोग यहाँ पे दाना पानी का चिकन रशीदा ट्राई करेंगे। यहाँ पे आए तो जैसे हमारे उज़्मा और इन सबको यहाँ पे अपन जाते हैं तो उनको सिली बहुत पसंद है। यहाँ पे सिली भी है नायब साहब की, नहीं जोरदार होती है। और चिकन दाना भी ट्राई करना है, शानदार है। मैंने कहा आज इनका बहुत टाइम से मुझे लोगों ने कहा था कि इनका रशीदा ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त रशीदा बनाते हैं और नायब साहब का फेवरेट भी है रशीदा। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इनके। देखो एकदम ओपन एयर में इन्होंने बनाया हुआ है, आराम से आप यहाँ बैठो एकदम से देसी स्टाइल में और देसी जगह में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अस्सलाम वालेकुम साहब, सब कह रहे थे क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ आसिम भाई, आसिम भाई तो अपने कितना टाइम हो गया सिम भैया दाना बन? 600 कल हो गए माशाल्लाह। और अपने टाइमिंग्स क्या रहते हैं सर? यहाँ शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे, मतलब अपना सिर्फ शाम साहब का ही। तो हम लोग यहाँ आए हैं आपका चिकन रशीदा खाने के लिए, तो पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं। बैठते हैं वहाँ, पूरा मेन्यू दिखाते हैं, फिर देखते हैं चिकन रशीदा कैसे बनाते हैं। ये चिली यहाँ पे फिश भी आपको मिल जाएगी, चिकन लॉलीपॉप है, लेकिन हम लोग सिली और चिकन दाना ट्राई करेंगे। आ जाए तो ये देखिए दाना पानी का जो मेन्यू हमारे सामने है। जैसे पूरा लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, JDA सर्कल के एकदम पास में इनकी है, PWD रोड पे। इनके नंबर भी इसमें डाल देंगे ताकि आप आराम से इनसे कांटेक्ट कर सकें। देखिए स्टार्टर्स में इनके पास में आपको यहाँ चिकन तंदूरी मिल जाएगी, अंगारा मिल जाएगा, प्राइसेस भी काफ़ी रीजनेबल है। मलाई टिक्का मिल जाएगा, चिकन बर्रा इनके पास में। आप मेन कोर्स की बात करेंगे तो बटर चिकन है, बटर चिकन बोनलेस आपको मिल जाएगा, पठानी चिकन मिल जाएगा, हांडी मिल जाएगी। हम लोग यहाँ चिकन रशीदा खाने के लिए, देखिए हाफ है 350 और फुल है 560 का। देखिए 350 और 560, तो हम लोग हाफ लेंगे। उसके बाद आप आ जाए इनके पास, जो ड्राई आइटम है देखिए लॉलीपॉप हो जाएगा, चिकन चटपटा हो जाएगा, चिकन चिली हो जाएगी। फ्राइड में हम लोग चिकन दाना लेंगे, देखिए 3 आपको मिल जाएंगे। 100 रुपये का है 250 ग्राम, 200 रुपये का है आधा किलो और 390 रुपये का 1 kg। उसके बाद देखिए सिली आपको मिल जाएगी, यहाँ सिली भी हम लोग ऑर्डर करेंगे। 100 रुपये के 5 पीस हम लोगों को मिलेंगे, तो हम लोग दो प्लेट वो ले लेंगे, आधा किलो चिकन दाना और एक हाफ रशीदा। पीछे देखिए, पीछे क्या इनके पास राइस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे राइस में भी इनके पास 2 ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, हाफ और फुल का। बहुत सी जगह सिर्फ राइस का एक ही पोर्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको हाफ और फुल दोनों मिल जाएंगे। रोटी आपको मिल जाएगी, लच्छा परांठा इनके पास में, एग के आपको इतने सारे आइटम मिल जाएंगे और वैस सब्जी भी इनके पास है, पापड़ भी इनके पास में। तो चलिए ऑर्डर देते हैं और फिर चलते हैं इनके किचन में, देखते हैं। और एकदम ओपन किचन है, ओपन किचन होता है तो मज़ा भी आता है, खुशबू भी आती रहती है और खाना भी हम लोग खाते रहते हैं। जो चिकन दाना भाई साहब थोड़ी थी 2-3 प्लेटें दे देना ना, प्लेटें, हाँ प्लेटें। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ें ऑर्डर की थी। हम लोगों ने यहाँ पे चिकन दाना ऑर्डर किया, हम लोगों ने यहाँ पे सिली ऑर्डर की और साथ साथ में चिकन रशीदा। देखो एकदम प्रॉपरली इन्होंने इसको फ्राई कर दिया और काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है, नहीं नायब साहब? मस्त लग रहा है, नहीं मस्त लग रहा है। तो हम लोग ट्राई करते हैं माशाल्लाह, और रंगत बता रही है कि बहुत ज़बरदस्त है इनका ये चिकन दाना। उसके बाद सिली भी आ रही होगी भाई साहब, सिली भी आ रही ना पीछे पीछे, उसके बाद फिर रशीदा खाएंगे इंशाल्लाह।
चलो सर इसको ट्राई करते हैं। लो ये देखिए, पूरा मैरिनेशन है जो अंदर तक हुआ हुआ है, और देखिए ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी था और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, पूरा गल गया देखो तो। वाकई में लाजवाब। क्या भाई कैसा मामला? बहुत जोरदार, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी है। और सबसे बड़ी बात, प्राइस की बात करेंगे तो काफ़ी रीजनेबल है। तो चलिए चिकन दाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद हमारी दो प्लेट में कितनी आएगी, दस पीस आएगी, 10 चिली बटर वाली ली हमने, तो वो भी ट्राई करेंगे, पहले ख़त्म करते हैं। तो अब हमारे हम लोगों ने भी अभी तो उनका चिकन दाना ट्राई किया था, आप यकीन माने माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त था। इधर देखो ना, इधर एक बार लेने का वीडियो। तो हम लोगों ने अभी पहला जो हमारा जो ऑर्डर आया था चिकन दाने का आया था, एकदम जूसी और अंदर तक मसाला गया था, पूरा गला हुआ था नहीं, और एकदम चटपटा माशाल्लाह, वाकई में ज़बरदस्त था। अब बारी हमारा जो सिली, यूजुअली आप देखा होगा हमने 2-3 दुकानों में खाई थी, उनका एकदम फ्राई, सिर्फ फ्राई स्टिक में डाल के देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा इसको बटर और उसमें पूरा क्रीम में इसका एक वो ग्रेवी बनाई है, जैसे चिकन मलाई टिक्का होता है वैसे इन्होंने मलाई सिली बनाई है देखिए, और कट कर दिया इन्होंने। बहुत सी जगह तो स्टिक के साथ में आता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। चलो इसको ट्राई करते हैं, नायब साहब लो फिर यार। तो ये सिली और ये बटर मैं ऊपर से डालूंगा, ये देखिए क्या बात है, इसको ट्राई करते हैं। सिली तो हमने बहुत जगह खाई है लेकिन ये जो जो मलाई जो इन्होंने ये क्रीम की जो ग्रेवी बनाई है उसमें और इसका टेस्ट ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो आपको क्या इसका लग रहा है? ठीक है, बहुत ही क्रीमी टेस्ट है इसका, बहुत शानदार क्रीमी ना, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, फिर चलेंगे इनके किचन में, देखते हैं नशीदा कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग ट्राई करेंगे। अल्लाह, हम लोगों के जो दोनों स्टार्टर्स थे वो एक नंबर थे यार, मतलब मामला 21 है यहाँ पर। आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, स्टार्टर्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जिसके स्टार्टर्स अच्छे होते हैं उनका मेन कोर्स बहुत अच्छा होता है, और आप यकीन माने इस टाइप की सिली मैंने कहीं भी नहीं खाई। क्या नायब साहब, बहुत डिफरेंट है सब चीज़ें, मतलब और काफ़ी क्रीमी था, मतलब एक तो क्या होता है क्रीम बहुत पतला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, जो सिली थी ना मसाले में पूरी रैप हुई हुई थी, और चिकन दाने के तो क्या कहने। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं रशीदा कैसे बनाते हैं, पूरा आपको प्रोसेस बताएँगे और फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इनके अंदर, देखिए एकदम इनका जो ओपन किचन है, यहाँ पे खुशबू भी आ रही है यार, तो अगर ओपन किचन होता है तो खुशबू इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या भैया ये मच्छी सर, ये फिश है ना, और ये सिली जो हमने ट्राई किया नहीं, हाँ, और ये दाना, ये चिकन दाना, और ये चिकन लॉलीपॉप, लॉलीपॉप है, और ये क्या फ्राई करे भाई साहब आप, चिकन दाना है, और ये क्या लगा रहे हैं आप यहाँ पे, ये बटर चिकन है। इसके बाद में हमारे रशीद लगाओगे आप, क्या नाम है आपका? शोएब भाई, तो लगो इसके बाद हमारा रशीद लगेगा। देखिए इनका बटर चिकन है, आप कभी अगर यहाँ चिकन दाना दाना पानी पाना हो तो आप इनका ये बटर चिकन भी ट्राई कर सकते हैं। आना क्या आपको यहाँ पे, आना ही हमारे कहने पे, और इनका ये स्टार्टर्स भी ट्राई करना है और रशीदा भी ट्राई करना है। तो शोएब भाई आप लगाएंगे, हमारा रशीदा है, ये देखिए तेल डाल दिया उन्होंने, इसमें सूखी हुई मिर्ची चली गई, आखा धनिया चला गया, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, कसूरी मेथी, क्या बात है यार। तो शोएब भाई कलाकारी भी दिखाते हैं साथ साथ में। ये चिकन चलेगी हमारी इसमें, देखिए चिकन चलेगी, ये देखिए चिकन का कलर देखो यार, क्या बात है। तो एकदम सिंपल से मसाले इन्होंने डाले इसमें अभी तक, तो
और उसको पूरा भुनेंगे, उसके बाद में बस में थोड़ी बहुत हम लोग ग्रेवी डालेंगे। ये देखिए, ये किसकी ग्रेवी है? टमाटर की है ना। ये देखिए, ये प्याज की, टमाटर और प्याज में जाता है रशीदा, एकदम ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है। तो देखिए, ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आपको यहाँ दाना पानी पाना पड़ेगा। इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें और यहाँ पहुँच सकें। ये देखिए, नमक चला गया, सारे मसाले चले गए। देखिए क्या बात है, कसूरी मेथी, टमाटर सॉस, क्या बात है। थोड़ा बहुत इसको अपन टैंगी बनाएंगे, नींबू भी इसमें डाला थोड़ा बहुत उन्होंने, शोएब भाई ने। ये देखिए, क्रीम चला गया इसमें, क्या बात है, जबरदस्त यार, कलर देखो यार। इसके साथ में वैसा रोटी प्लेन कर देना है। अरे नान या रोटी, रोटी रोटी। अब रशीदा अंडा के बिना तो अधूरा है, तो वही रशीदा है नहीं, तो उस पर डालेंगे अब अंडा। तो कलर देखो यार ग्रेवी का, कलर से पता चल रहा है कितना जबरदस्त इन्होंने शोएब भाई ने बनाया होगा। ये देखो क्या बात, इसमें हरा धनिया चला गया गार्निशिंग के लिए, और ये अब जाएगा एग। क्या बात है, जबरदस्त रोटी लगा दो, प्लेन रोटी लगाना है। सबसे बड़ी बात देखो, ये शोएब भाई ना पूरा जो पैन को है ना पूरा आग के ऊपर ये पूरा राउंड राउंड घुमा रहे ताकि अंडा कच्चा नहीं रहे, कच्चा रहता है फिर मजा नहीं आता। ये हमारा गर्मा गर्म रशीदा रेडी है, जज़ाकअल्लाह। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए, ज़बरदस्त। तो ये हमारा रशीदा रेडी है, दाना पानी का फेमस चिकन रशीदा। कलर देखो यार, कलर से पता चल रहा है कि इनका रशीदा कितना ज़बरदस्त होने वाला है, और अंडा भी पूरा पक गया, ऐसा नहीं कि मतलब कच्चा अंडा है, सब जगह से अंडा पूरा पक गया। चलो इसको ट्राई करते हैं। नायब साहब छोटा लग रहा है एकदम, रंगीश बता रही है। हाँ रंगत बता रही बाबू, ये अंडा आ गया मेरा इसमें, और ये एक पीस लेता हूँ मैं, पीस एकदम भुनी हुई है, एकदम भुनी हुई ग्रेवी। तो चलो बस मैं रोटी का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए इनका जो रशीदा है दाना पानी का वो ट्राई करते हैं, एकदम भुना हुआ यार। नहीं टमाटर और प्याज की ग्रेवी इन्होंने इसमें यूज़ की है, और साथ साथ में इन्होंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं, उससे इसका और ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया माशाल्लाह। तो चिकन रशीदा एक नंबर। हाँ भाई बहुत शानदार भुनवा ग्रेवी है, एकदम बहुत डिफरेंट रशीदा है। नायब साहब की फेवरेट मिर्ची है, मिर्ची तो नायब साहब कितने किलो खिला दो माशाल्लाह, इनको तेजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ये पूरा ख़त्म, किस बार निकल लग रहा आपको जोरदार हजरी रहा हूँ। तो चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, जो भी मंगाई मैंने उसके बाद सब ख़त्म करने के बाद पेमेंट करेंगे और फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। हाँ साहब, तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीज़ें ट्राई की,
हम लोगों ने यहाँ पे तो एक तो इनका चिकन दाना ट्राई किया, दाना पानी का चिकन दाना, उसके बाद इनका क्या लिया था आपने, सिल्ली बटर सिल्ली तो एक नंबर थी यार। उसके बाद रशीदा, हाय हाय रशीदा का क्या कहना, एकदम भुनी हुई ग्रेवी, टमाटर प्याज दोनों मिक्स किया था उन्होंने ग्रेवी के अंदर और साथ साथ में खड़े मसाले। वाकई में ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आपको आना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ अपन दाना पानी पाना पड़ेगा जो कि JDA सर्कल के एकदम पास में। चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी करें तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।